औरंगाबाद शहरामध्ये मागचे काही दिवसांमध्ये जी आपली टेस्टिंग सुरू होती त्यामध्ये काही भाजी विक्रेते, चिकन अंडे, मटन विक्रेते आणि दूध विक्रेते हे कोरोनाचे सुपर स्प्रेडर म्हणजे असे व्यक्ती जे कोरोनाला खूप पसरवत आहे असे सुपर स्प्रेडर म्हणून समोर आले होते। याच्यामुळे औरंगाबाद महानगरपालिकेने निर्णय घेतला की सर्व संशयित जे भाजीपाला विक्रेता आहे, जे फल विक्रेता आहे, दूध विक्रेता आहे, अंडा चिकन मटन विक्रेता आहे आणि सलून या सर्व लोकांची आपण चाचणी करणार आहे आणि हे चाचणी पुढील 2 दिवसांमध्ये पूर्ण केली जाणार आहे। ज्या लोकांची चाचणी होईल त्यांना दुकान उघडण्याची परवानगी दिली जाणार आहे आणि 2 दिवसांमध्ये हे चाचणी पूर्ण करून आपले नागरिकांसाठी हे जे बाजारपेठ आहे आणि शॉप्स आहे ते सार्वजनिक प्लेस सुरक्षित आहे हे सुनिश्चित केलं जाणार आहे। सर आज जे प्रमाणपत्र त्यासाठी भरपूर लोकांनी गारखेडा परिसरामध्ये पुंडलिक नगर वगैरे लाईनी लावल्या पण त्या ठिकाणी प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यामुळे मोठा एक गोंधळ उडाला होता। इनफॅक्ट औरंगाबाद व्यापारी महासंघ सोबत जे आमची चर्चा झाली होती त्या अनुषंगाने व्यापाऱ्यांची जे टेस्टिंग होती हे 6 कॅटेगरीचे व्यापाऱ्यांची टेस्टिंग 3 बजेपासून सुरुवात होणार होती बट समहाव व्यापाऱ्यांनी जे आमची टीम जे नागरिकांसाठी डिप्लॉय केली गेली आहे तिथे त्यांनी गर्दी लावली। ऑल्दो ओके बट तिथे पण त्याची टेस्टिंग होणार आहे, काही समस्या नाही आहे। त्यांना जे सर्टिफिकेट आहे ते उद्या मॉर्निंगपर्यंत त्याच्या होम डिलिव्हरी केली जाणार आहे। फ्रूट और सब्जी वालों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सर, और ये छोटे व्यापारी रहते हैं, इनका माल आना दूर से आना और यहाँ बेचना ये इसके लिए ये छोटे व्यापारी ज़्यादा परेशान हो गए। इनको एक तो पैठन गेट से जादवाड़ी तक 10 किलोमीटर जाना पड़ता है और अगर वहाँ जाके अगर ऐसा इनके साथ दुकानें नहीं खोलने दिया गया और इनके साथ कारोबार नहीं करने दिया तो ये लोग 10 दिन तो पहले खाली बैठे हुए, इनका हर चीज़ से वंचित है। और अगर कल अगर ऐसा हुआ तो ये लोगों ने क्या करना चाहिए, ये प्रशासन ने पहले ही सुविधा करना चाहिए था इसकी 10 दिन पहले लगने से पहले। अब एक दिन में सभी व्यापारी शेतकरी और जो खरीदार है इनका सबका एक साथ टेस्ट होना ये मुनासिब नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि हुकूमत ने इसका टाइम बढ़ाना चाहिए और इसको जो कानून लगाया इसको शिथिल करना चाहिए यानी इसका आसान करना चाहिए। जब तक ये आसान नहीं होता सब व्यापारी एक साथ सहयोग नहीं कर सकते, इसलिए सभी व्यापारी को इन्होंने साथ देना चाहिए और व्यापारी की अड़चन देखते हुए और व्यापारी और खरीदार और शेतकरी की अड़चन देखते हुए इन्होंने इसको आगे बढ़ाना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए ताकि हम व्यापार भी कर सकें, लोगों को माल भी दे सकें। आज मार्केट में सब्जी भी नहीं है, फ्रूट भी नहीं है, लोग हताहत है, खाने वाले हताहत है, घर घर माल पहुँच हर जगह माल नहीं है। किसी भी व्यापारी के पास आज 1 किलो भी सब्जी नहीं है ना 1 किलो फ्रूट है, वो लोगों ने कहाँ से लाना और कैसे लोगों को पहुँचाना चाहिए इसका लेकिन टेस्ट भी करना जरूरी है ना शहर को, हमको कोरोना मुक्त करना। टेस्ट कराने के लिए हम इनको इनकार नहीं कर रहे सर, 100% टेस्ट कराएंगे हम, हमारी जगहों पे इनका इंतजाम भी करेंगे, हमारे पास इसके बड़े बड़े हॉल भी है उसका भी इंतजाम करेंगे, अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उनको भी रखने का इंतजाम करेंगे, लेकिन ये एक दिन में मुनासिब नहीं है। आपका नाम आप बताइए। रियाज बागवान। अब आज जो है मनपा आयुक्त के साथ व्यापारी महासंघ की और व्यापारियों की बैठक हुई तो इसमें क्या निर्णय लिया गया? आज जो बैठक हुई उसमें यही निर्णय लिया गया कि टेस्टिंग सभी इलाकों में 10 टीमें अभी 3 बजे से हमारे मेंबर लोग हैं पदाधिकारी हैं उनके इलाके में उनके व्यापारियों के साथ 3 बजे से अभी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और जितनी रात लेट तक जितने व्यापारी टेस्टिंग हुए वो भी कल दुकानें खोल सकेंगे और जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई वो भी खोल सकेंगे और जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई उन्हें आने वाले 2-3 दिन के अंदर तुरंत अपनी टेस्टिंग करा के सर्टिफिकेट लेके अपने दुकानों में लगाए तो आगे चल के आराम से निवांत कारोबार कर सकेंगे। सर काले साहब मेरा सवाल ये है कि छोटा व्यापारी है, सब्जी विक्रेता है, हाँ ठेले वाला है, इनका भी टेस्टिंग होने वाला है छोटे व्यापारियों का, इनका अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इनके इलाज की जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? भी गवर्नमेंट का जो है हॉस्पिटल उसमें गवर्नमेंट इलाज करेगा, अगर उसकी खुद की हैसियत है तो वो खुद के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। हैसियत का रही सर अभी नहीं तो खत्म हो गया ना। एक कभी कुछ लोग रहते ना, हम रिश्तेदार से लेंगे, ससुराल से लेंगे, लेकिन अच्छे हॉस्पिटल जाएंगे तो कर ले। नहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों में लाखों रुपए इलाज के लिए लग रहे सर, घाटी में भी बहुत भीड़ है मरीजों की, हाँ उधर जिला ग्रामीण रुग्णालय में बहुत भीड़ है तो ये तादाद तो बढ़ेगी ना। नहीं अभी लॉकडाउन किया गया इसलिए जो है तो काफ़ी
वहाँ से कुछ कॉट्स खाली हो गए होंगे और उसमें एडिशन करने के लिए उनकी जो चल रही बातें और कामकाज, ये 8-10 दिन में काफ़ी व्यवस्था उन्होंने बढ़ा है, इस तरह की बात है। तादाद कितनी हो सकती है व्यापारियों की शहर में? शहर में व्यापारियों को करीब करीब 25,000 के ऊपर 25 के ऊपर है।